वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो भाई आप लोगों को याद होगा कि रमन भैया और मैं मिले थे जब हम लोगों ने अपनी मारुति स्विफ्ट की यानी कि जो हमारी कह सकते हैं टशन वाली गाड़ी है उसको हमने तैयार किया था। बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोगों ने दिया भैया। एलॉयज के बाद ऐसा हो गया कि लोग कह रहे कि भाई मुसाफिर स्टाइल एलॉय चाहिए। एक्चुअली बहुत सारी इंक्वायरीज आई हैं हमको आपकी गाड़ी के स्क्रीनशॉट्स लेके कि सेम होगा ऐसे, और 5-6 सेट्स तो मुझे डाल भी चुके हैं उसके साथ सेम थे। और ऑल थैंक्स टू यू गाइस फॉर द सपोर्ट एंड लव। एक चीज और बता रहा हूं, उसकी कॉपी भी शुरू। अब देखो जो चीज बिकती है उसकी कॉपी करना तो बहुत कॉमन है हमारे एरियाज में। एक चीज जो पॉपुलर हो जाती है उसके पीछे एक लोग चलने पड़ जाते हैं। इट इज अबाउट व्हाट ट्रेंडिंग इज सेटिंग द ट्रेंड्स, यू नो। ठीक है, एक ट्रेंड सेट हो गया है, अब लोग तो कॉपी करेंगे। चलो भाई ये परफेक्ट है। आज जो गाड़ी आप लोग देखने वाले हो वो है फोर्ड एंडेवर एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर। उसमें मैं आप लोगों को 20 इंची और 22 इंची दिखा रहा हूँ। वैसे रिकमेंडेशन हम लोग बोलते हैं टायर साइज के अकॉर्डिंग रखना चाहिए, लेकिन हम लोग पंजाब में लुधियाना में अभी है वेलोसिटी टायर्स में, तो शौक तो भाई बड़ी चीज है। ठीक है, तो बढ़िया चीज दिखाएंगे। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। अभी जो आज का मेन मुद्दा है जिसके लिए मैं स्पेशली लुधियाना आया हूँ रमन भैया के पास। रमन भैया से मैंने बोला था कि रमन भैया कोई स्पेशल शूट आए, स्पेशली फॉर्च्यूनर हो एंडेवर हो तो मेरे को बताना जिसमें बड़ा साइज टायर का लग रहा हो। तो अभी आप लोग जो देख रहे हो भाई ये भैया का पूरा शोरूम है। एंड अगेन अभी शोरूम में अपडेट हो रहा है, जैसा बताया भैया ने हर मंथ कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है। एब्सोल्युटली 20 इंचेस या 22 इंचेस बहुत फेवरेबल आज की डेट में। बड़ी कार्स हैं फॉर्च्यूनर एंडेवर्स तो उसमें 18 इंच तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है लग के। आज की डेट में कस्टमर्स वो दे वो प्रेफर टू अपग्रेड इट, तो उसको हम लोग 20 इंचेस और 22 इंचेस तक अपग्रेड कर सकते हैं। तो आज कुछ स्पेशल क्लाइंट्स आए हुए हैं जिन्होंने 20 और 22 इंच लगाने का जिनकी एक्सपेक्टेशन है। वन एक टोयोटा फॉर्च्यूनर के हैं और एक फोर्ड एंडेवर के हैं, तो उसमें हम लगा के दिखाएंगे उनको। कुछ 20 इंच लगाएंगे, कुछ 22 इंच लगाएंगे, फिर जो उनका टेस्ट होगा वो हम फाइनल करेंगे। ठीक है भैया, एक रमन भी आपसे ना रिकमेंडेशन लेना चाहूंगा क्योंकि मैं ऑडियंस के साथ बहुत क्लियर रहता हूं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं जो टायर साइज कंपनी का आ रहा है आप एक अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन जहां पर आप बात करोगे हायर रिकमेंडेशन आपकी तरफ से, क्या आप 22 रिकमेंड करते हो लोगों को? ऑनेस्टली स्पीकिंग 22 इंचेस इज नॉट रिकमेंडेबल टू द कस्टमर बिकॉज एक लोड इंडेक्स है गाड़ी का, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए स्पेशली जब आप गाड़ी ज्यादा यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ठीक है बहुत कम यूज होती है और एक शौक बहुत बड़ी चीज है, आपकी लुक्स भी इंपॉर्टेंट है गाड़ी की, उसके हिसाब से 22 इंचेस लोग लगवाते हैं। हमने अब कितने सारे सैंपल्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक जिसकी हैवी ड्यूटी यूज होनी है, जिसकी डेली यूज होनी है, जैसे मैंने आपको स्विफ्ट में बताया था, इफ यू आर रनिंग योर कार मोर देन 50 और 100 किलोमीटर पर डे यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर 22 इंचेस। अगर आपकी गाड़ी ठीक है चलती है 100 किलोमीटर तक, 20 इंच बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वर्जन में आता है तो हम भी सेम स्पेसिफिकेशन लगा के देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई परफेक्ट है, भैया ने आप लोगों को बता दिया। अगेन आप लोगों को वाइड लेस एंगल में थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू चेकआउट करा रहा हूँ। बहुत बढ़िया कलेक्शन भैया के पास है। एक ब्रांड जिसके बारे में बहुत क्वेश्चन मेरे पास आया कि भाई आरपीएम व्हील्स क्या है, आरपीएम व्हील्स क्या है और ये ब्रांड किनका है, तो भैया एक बार थोड़ा समझाओ इसके बारे में। आरपीएम इज बेसिकली एन अमेरिकन कंपनी, दिस इज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन ताइवान एंड इंडोनेशिया एंड मलेशिया, और इसके वी आर द इंपोर्टर्स फॉर दिस ब्रांड। पिछले 15 साल से इस ब्रांड को हम लोग बेच रहे हैं। वी हैव लॉट ब्रांड्स टू सेल, बहुत काफी ब्रांड्स हमने बेचे हैं, बट एक ये ऐसा ब्रांड है जिसमें हमको ना तो आज तक कभी कोई कंप्लेंट आई है, ना भी कोई प्रॉब्लम आई है, ना फिनिशिंग में कभी खराबी आई है। तो बाकी कस्टमर का सपोर्ट रहा है तो काफी अच्छा चल रहा है। बाकी आपकी गाड़ी में भी बिल्कुल सबसे बड़ा रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को बता चाहूंगा, मैंने पर्सनल लेवल में गाड़ी को यूज किया हुआ है और भाई गाड़ी में जब ये एलॉय लगे थे स्पेशली आरपीएम के, गुड टू गो थिंग। टायर वाला अपडेट मैंने भैया को बताया था, भैया ने 205 लगाया था, भैया ने बोला था हो सकता है तू 195 में जाएगा परेशान होगा, मैं परेशान हो चुका हूँ, लेकिन चलो कोई बात, जिंदगी जो है वो सब सिखा देती है। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार आप लोगों को 20 इंचेस में मैं यहाँ पर चॉइसेस दिखा रहा हूँ जो आप लोगों को यहाँ पर बहुत इजीली देखने को मिल जाएगी। अगेन मैं आज की वीडियो में जो है भैया से रिकमेंडेशन लूंगा कि उनके कौन से फेवरेट है और अगर आप में से कोई लगवाने आ रहा है तो क्या क्या चॉइस रहेगी। तो अगर भैया मैं इस वाले स्पेशली अलॉय के बारे में बात करूँ तो 20 इंची में आपके कौन सा फेवरेट है वैसे? अगेन यू नो इतना रेंज है इसमें फेवरेट कहना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर भी कुछ तो बताना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो अलॉय ड्यूरेबल है, ठीक है, जो अलॉय की स्ट्रेंथ 100% से ज्यादा रहती है बिकॉज गाड़ी ऑफ रोड में यूज हो सकती है, ठीक है, रोड कंडीशन हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे नहीं है,
तो उसको कंसिडर करते हुए आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है कि ब्रांड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंड साइज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब 22 इंचेस में आप कुछ भी कर सकते हैं, वो एक अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन लुक्स बहुत अमेजिंग आती है। बिल्कुल, अब 24 इंच भी आपको मैंने बताया, बिल्कुल 24 इंच भी भैया ने बोला कि मैं तेरे को बिल्कुल बताऊंगा। एक बार देख लो ये अलॉय जिसमें मर्सिडीज का आप लोगों को लोगो लगा हुआ दिख रहा है, ये वाला मेरे को बड़ा पर्सनल लेवल पसंद आया। भैया यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है हमारे पास वो क्या क्या है और कौन कौन से मिक्स ब्रांड हम लोग रखते हैं? देखिए इसमें आरपीएम है हमारे पास, देन इनफोर्स इज देयर, देन देयर इज एडवांटी है, उसके बाद यूनिवर्सल है हमारे पास, और मतलब एवी व्हील्स आता है हमारे पास। उसके अलावा जैसे आजकल अभी आज का स्पेशल एडिशन है जहाँ पे हम लोग फॉर्च्यूनर और उसके एंडेवर को फिट करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ व्हील्स बहुत आजकल अच्छे चल रहे हैं, उनका मैं आपको ओवरव्यू जरूर दूंगा। शायद लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वी गॉट दी स्पेशल अलॉयज फॉर द फ्रॉम टोयोटा इटसेल्फ, जैसे ये टीआरडी एडिशन आया है हमारे पास, दिस इज द व्हील फ्रॉम लेक्सस, ये लेक्सस का व्हील है, बहुत बहुत प्यारा, बहुत अच्छी फिनिश है इसकी, बहुत बढ़िया चल रहा है ये वाला व्हील हमारा। बिल्कुल, दिस इज निसान पेट्रोल, ये निसान का तो हाथ गाड़ी आती है, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो दीज आर द सेगमेंट्स जो आज के डेट में काफ़ी लोग पसंद करते हैं। अगेन आज की सिलेक्शन आपके साथ जैसे आपकी गाड़ी में की थी हमने, विल पुट सम सैम्पल्स फॉर 20 इंचेस, विल पुट सम सैम्पल फॉर 22 इंचेस, फिर जो कस्टमर को पसंद आएगा कस्टमर आपको खुद बताएगा और हम गाड़ी वही रेडी करेंगे। तो बिल्कुल रिकमेंडेशन वाइज तो जैसे आपको पता ही है कि अगर आप में से कोई भी लुधियाना रहता है, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप वेलोसिटी से लगाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं यार दिल्ली से यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, भाई कभी कुछ काम से आ रहे हो तो आ जाओ, क्योंकि भाई प्राइसिंग में भैया बढ़िया दे देते हैं। ये प्राइसिंग इज फॉर श्योर यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। एक चीज मैं आपको डेफिनेटली कह पाऊंगा, जो रेंज हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है ऐसा रेंज मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मेहनत लगी है हमारी इस रेंज को क्लियर करने में और सब कलेक्ट करने में। तो अगर एक बार आएंगे इट इज वर्थ कमिंग एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू लुधियाना फॉर योर अलॉयज। चलो भाई परफेक्ट है, बहुत अच्छी चीज भैया ने बताई आप लोगों को। अगेन 20 इंचेस में आप लोगों को बहुत सारे डिजाइनिंग जैसा मैंने आपको बताया, पॉज करके अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों को एक एक अलॉय चेक करा रहा हूँ। अगेन ये कलेक्शन एवरी मंथ चेंज की जाती है, अगेन चॉइसिस के अकॉर्डिंग। जो एक आप लोगों को हटके अलॉय देखने को मिलने वाला है भैया, ये अलॉय का क्या नाम है? ये वर्डे सीरीज है हमारी, ये वैसे कार्स के लिए भी न्यू इंट्रोड्यूस किया है, स्पेशली आपकी स्विफ्ट के लिए जैसे कस्टमर से अपग्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक ये विंग वो स्पाइडर व्हील बोलते हैं, कस्टमाइज्ड व्हील बोलते हैं इसको, बाहर बहुत चलते हैं ऐसे व्हील, तो हमने ये भी एक नया इंट्रोड्यूस किया स्विफ्ट के लिए। ठीक है, तो स्पेशल है इसलिए उसको ऊपर रखा हुआ है अभी। चलो भाई ठीक है, ये तो आप लोगों ने 20 इंचेस की चॉइस देख ली। 20 इंचेस में आप लोगों को ये जो गोल्डन कलर का अलॉय है इसका भी लुक काफी अच्छा है। दिस इज कॉल्ड सैंड कलर, सैंड फिनिश। ठीक है, बहुत रफ और बहुत अच्छी फिनिश है। आज की डेट में आप देखेंगे 20 इंचेस भी काफी लोग डलवाने लग गए हैं। बिल्कुल, तो लेकिन येट उसमें भी अगर कुछ डिफरेंट करना है तो कोई डिफरेंट फिनिश और डिफरेंट साइजिंग हमको देखना पड़ेगा। और एक चीज और बताना भैया, आपके पास पर्सनली एंडेवर है? जी जी। आपने मेरे को उस दिन एक बात पूछी थी मैंने आपसे, भैया आप क्यों नहीं 22 डालते हो, आपने क्या बात बोली थी? देखिए मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि मेरी गाड़ी का ड्राइविंग है इज अराउंड 80-100 किलोमीटर अ डे। ठीक है, और डेली बेसिस पे यूज होती है, तो उसमें कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप डेली अप डाउन करना है, सुबह जाके शाम को आना है, तो उसमें मेरे लिए कंफर्ट पहले है। 22 इंचेस में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन 20 इंचेस में कंफर्ट आपका हैम्पर नहीं होता है। और भैया जो आपने आज बम रखे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि हम बम फोड़ने वाले, एक बार जरा आ जाओ ऑडियंस को दिखा देते हैं। सो देयर यू गो गाइस, प्रेजेंटिंग यू ऑल 22 इंचेस के अलॉयज जो कि एक्सक्लूसिव इन वेलोसिटी टायर्स। अभी रिसेंटली कुछ 20 जनवरी में हमने लॉन्च करे हैं 20 इंचेस के डिजाइन, 22 इंचेस के सॉरी, फॉर एंडेवर्स एंड फॉर्च्यूनर्स, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। इसके बाद मैं स्कॉर्पियो के लिए भी 20 इंचेस के आपको, बिल्कुल स्कॉर्पियो के भी भैया जो है वो आप लोगों को चेकआउट कराएंगे। लेकिन कितने तगड़े लग रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन बताना। वन ऑफ माय फेवरेट जो है भाई, जो कि मैं चाहूंगा कि इसको ट्राई जरूर कराए भैया, इसका लुक काफी अच्छा है। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा चाहिए कि भाई हाँ वो डीप डिश टाइप का थोड़ा लुक आ जाए, आपका स्पेशल डीप डिश जो आपका मेरा पसंद वाली चीज है, बिल्कुल स्विफ्ट में डिफिकल्ट था हम लोगों को उसको फिट करना, लेकिन बड़ी गाड़ियों में फिट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट द टायर टू कवर द रेशो साइड वॉल को। ठीक है, अगर डीप डिश अलॉय अगर आपको डालना है 22 इंचेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल परफेक्ट वेरी हैवी ड्यूटी डिजाइन। आप इसको जैसे हम लोग इसको अपग्रेड, कई लोग
फॉर्चूनर या एंडेवर को यूज करते हैं ऑफ रोडिंग पर्पज के लिए, तो उनके लिए इनको स्टॉक व्हील्स रखना जरूरी होता है। ठीक है, 22 इंच में भी अगर आप डाल के अच्छा प्रोफाइल डालो तो दिक्कत नहीं आती है, इसमें कंफर्ट नहीं मिलता बट गाड़ी में दिक्कत नहीं आती। चलो भाई परफेक्ट है, ये भैया ने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगेन हमने जो चॉइसेस निकाली अलग वो आप लोगों को गाड़ी की तरफ दिखेगा, तो सीधे नीचे लेके चलते हैं गाड़ी की तरफ। आमने सामने लगाते हैं गाड़ी, दो तरफ लगाएंगे डिफरेंट अलॉय, दूसरी तरफ लगाएंगे डिफरेंट अलॉय। ठीक है, एक चीज जिसके लिए मैंने एक तरीके से आप कह सकते हो मुहिम चलाई थी, या फिर मैंने देखा कि बहुत लोग उससे परेशान हुए थे, मैंने कहा था भैया से नो टू चाइनीज टायर्स। वी डू से नो टू चाइनीज टायर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, चाइनीज कंपनी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग दोनों चीजों में फर्क रहता है। प्योर चाइनीज कंपनीज को हम लोग यहाँ पे एंटरटेन नहीं करते हैं, ना हमारे पास ऐसा कोई टायर है जिसको हम एंटरटेन करते हैं, बिकॉज लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी। कस्टमर का एक लाइफ है जिसपे टायर पे गाड़ी चलता है, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम ब्रांडेड टायर्स ही डाल सकते हैं। देर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, हर टाइम कस्टमर आके हमसे एक ही बात करता है कि ठीक है आप 17-18 में तो हम उनको ब्रांडेड टायर्स दे देते हैं बिकॉज इंडियन कंपनीज बनाती हैं, एंड इम्पोर्टेड कंपनीज लाइक कॉन्टिनेंटल एंड फैल्कन एंड मिशन एंड योकोहामा, दे डू मैन्युफैक्चर 17-18, बट वेन इट कम्स टू 20 इंचेस तो बहुत ज्यादा रेंज अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ साइजेस अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइनीज टायर डालें। ठीक है, हम लोगों को इसमें इम्पोर्टेड ऑप्शन बहुत अच्छी मिल जाती है। और कहाँ से इम्पोर्टेड होते हैं पहले इम्पोर्टेड? अब सारे व्हील्स जो इंडिया से बाहर आ रहे हैं इम्पोर्टेड, लेकिन इम्पोर्टेड में भी हमारे पास ताइवानीज ब्रांड है, हमारे पास इंडोनेशियन ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छे चलते हैं। और एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूं भैया, जैसे बोलते हैं ताइवान में हेडलाइट सबसे बेस्ट होती है। जी सेम, बिल्कुल सही बोला, हेडलाइट मशीनरी ताइवान इसका सबसे बेस्ट है। आपको मैं आज एक और ब्रांड के बारे में बताऊंगा, सोनार इज वन ब्रांड विच वी आर सेलिंग इट फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स, और ये ताइवान मेड ताइवान कंपनी है जो बहुत पुरानी है, इसको हम पिछले 15 साल से सेल कर रहे हैं। 20 इंचेस में अगर हम आपको बात करूँ, आज की डेट में सबसे बेस्ट और सबसे कम्फर्टेबल टायर सोनार कंपनी के चलते हैं, और देर लॉट मोर अदर ऑप्शन टू गो फॉर इट, बट इसमें क्या खासियत है, क्या फायदा मिलता है और इसको क्यों लगवाना चाहिए, ये आज मैं आपको पूरी तरह इसको एक्सप्लेन करूँगा। चलो भाई परफेक्ट है, अगेन पहले बता रहा हूँ जिसको भी लग रहा हो कि भाई ये सोनार कहाँ का ब्रांड है, तो सोनार टायर्स अगर आप लोग गूगल में लिखते हो तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी जो है भैया आप लोगों को टायर्स के बारे में एक एक चीज स्पेसिफिकेशन समझा देंगे, ISI मार्क जो एक बहुत बड़ी चीज है उसके बारे में बात करें। बात हो रही है 20 और 22 इंची की, तो भाई टायर्स भी आप लोगों को अच्छे लेवल के मैं दिखाने वाला हूँ। भैया सोनार के टायर्स के बारे में जैसे बात कर रहे थे कि बताएंगे उसके बारे में क्या चीज है, भैया जरा थोड़ा समझाओ ऑडियंस को। आज की जो गाड़ियां हैं जिनको हम फिट कर रहे हैं, दीज आर फॉर्च्यूनर्स एंड एंडेवर्स, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, कंफर्ट। कंफर्ट के लिए व्हाट साइज वी शुड गो फॉर, देर आर 3 साइजेस इन 20 इंचेस जनरली जो चलते हैं, 1:275:45:20, द अदर इज 285:50:20, फिर उसके बाद आता है 295:45:20। तो अभी ये 3 मेजर साइजेस हैं, आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्रुप है, दिस इज इसको हम बोलते हैं 285:50:20 का, ये ग्रुप है 295:45:20 का। अब ये सोनार के टायर्स हैं, इसके अलावा ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, ये गुडियर का टायर है ये जो ब्रांड में मिलता है अगेन। अब इसमें और इसमें टेक्निकली डिफरेंस क्या है, द सिलिका बेस्ड, इसका लोड इंडेक्स इज वेरी गुड। आई एम नॉट सेइंग गुडियर इज अ बैड टायर बट वी हैव एन ऑप्शन, लेकिन इसका प्राइस रेंज का बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये इंडियन में डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं होते, ये ग्रे मार्केट के टायर है। ठीक है, मैं बड़ा एलैबोरेटेड बता देता हूँ, कोई भी 20 इंच का टायर कंपनी का नहीं आता है 285 में, ये सारे इंपोर्ट और ग्रे मार्केट में आते हैं। इसीलिए कल को एक टायर आप मुझे, आज मैं क्लाइंट को डाल देता हूँ, कल को एक टायर की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि सर एक टायर हमारा फट गया है, वो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट जब तक इंसनार की बात है, कभी भी सिंगल टायर 2 टायर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक और कंपनी आई है, दिस इज 275 विद सोनार, दिस इज अगेन एक एक्सलेरा का टायर, इंडोनेशिया का है, ये भी अच्छा चलता है। उसके अलावा में तो आज हम जो साइज टेस्ट करने वाले हैं वो हम करेंगे क्योंकि कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, 285:50:20 एंड 295:45:20, हम ये दोनों गाड़ियों में डाल के रखेंगे। उसके बाद आ जाता है 22 इंच का, जो सबसे बड़ी और सबसे आज के हॉट टॉपिक रहा है, तो ये आपको मैं टायर दिखाता हूँ, दिस इज 305:40:22 का टायर है। ऑप्शंस बहुत है इसमें भी, 305 के नीचे हमारे पास 285 है, 275 है, तो वो बहुत, लेकिन कस्टमर की आज की रिक्वायरमेंट हमारी है कि उसको 305 डालना है, तो आज हम आपको ये सैंपल फिट करके दिखाएंगे। बिल्कुल भैया, एक चीज इसमें मैं जानना चाहूंगा, जैसे हम बात करते हैं ब्रांडिंग के बारे में कि जो ब्रांडिंग होती है वो ब्रांडिंग किस तरीके की आती है, ISI मार्क कैसा होता है, वो कैसे चेक होता है? ISI मार्क इस पे स्पेशल लिखा रहता है, जैसे ये तो चलो अभी 22 इंच का टायर है, अगेन इसमें भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब हम ISI ब्रांड्स की बात करते हैं तो एक स्पेशल कॉलर पे लिखा होता है, कभी भी टायर डलवाएं प्लीज ISI मार्क जरूर चेक करें, ये कभी भी कोई भी टायर डलवाएं उस पर ISI मार्क जरूर चेक करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। आज की डेट में अगर हम गुडियर की बात करें, अभी मैं आपसे क्यों मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, जो गुडियर का टायर है उस पर ISI मार्किंग नहीं रहती है,
तो अब ठीक है मार्केट में टायर बिक रहा है, हमें भी बेचना पड़ता है, लेकिन एक एक सही फीडबैक देना जरूरी रहता है, उस लिहाज से मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए था, तो मैंने आपको बताया। चलो भाई, एक बहुत क्लैरिटी भैया ने दी और भैया मेरे साथ मुहिम में जुड़े हुए से नो टू चाइनीज टायर, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और भाई कहीं ना कहीं भैया और मेरा अगर तालमेल बनता है वो इसी से बनता है कि भैया और मैं इस बात को समझते हैं और कस्टमर का जो सेफ्टी है वो नंबर वन है, वो नंबर वन है। आप एक चीज देखिए, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और उसमें आप चाइनीज स्टार के साथ ड्रिवन कर रहे हैं, आप तो आगरा हाईवे पे काफी बार जा रहे हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है एक्सीडेंट्स का? हल्के क्वालिटी के चीप टायर्स। सो मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज प्राइस पे इतना कॉन्सेंट्रेट मत करें, ऑलवेज गो फॉर द ब्रांड टायर्स, और एटलीस्ट अगर नहीं इतना बजट बन रहा है तो इम्पोर्टेड टायर्स जो अच्छे मार्केट में लॉन्ग टाइम से अवेलेबल है, कोई भी ऐसा टायर जो अभी आपने रिसेंटली सुना हो उस पर मत जाए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। चलो भाई परफेक्शन है। एंड अब आप लोग देखोगे गाड़ी के अंदर ये टायर्स और एलॉयज की फिटिंग, सो सीधे चलते हैं नीचे की तरफ में और करेंगे इसके बारे में और बातचीत। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ 22 इंची का ये अलॉय, जो कि इतना स्मार्ट लुकिंग है। स्मार्ट लुकिंग के साथ साथ में इसका जो ब्रॉड वाला लुक है, अगेन आप लोगों को टायर साइज जो है वो एक बार चेकआउट करा देता हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा, सो 305/40 और 22 जो है उसका ये अलॉय लगाया गया है। अगेन आप लोगों को फोर्ड की जो इसमें एक तरीके से आप कह सकते हो, आपको अगर ब्रांडिंग करानी है कोई और ब्रांड का कराना चाहते हो तो वो आप लोगों को इसमें ऑप्शन मिल जाता है। अगेन देखने बहुत अच्छा लगता है। भैया क्या कहना है इसके बारे में? अभी किसी क्लाइंट ने 22 इंचेस लगवाए हैं हमारे से, तो फोर्ड का लोगो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी तो वो हमने कस्टमाइज करके बनवाया उसके लिए। इसमें हमने 305/40/22 का टायर डाला है, प्लस ग्रे मशीन डायमंड कट के अलॉयज डाले हैं। मैं चाहूँगा एक बार कस्टमर्स को दिखाइए। बिल्कुल यार, बहुत जबरदस्त ओवरलुक है। बिल्कुल, अगर आप लोग वाइड में देखना चाहोगे एक बार आप लोग लुक चेकआउट करो इसका, इट लुक्स वेरी गुड। और कितना ब्रॉड है पहले एक बार आपको वो दिखाता हूँ, अगर आप इस एंगल से देखोगे वहाँ पर देखो बहुत स्मार्ट लुक आ रहा है। अगेन जैसा बोलते हैं कि पंजाब में बहुत सारे शौकीन लोग हैं जो उनको ये काम कराने मजा आता है, एक बार दूसरी तरफ से भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो गाइस बहुत जबरदस्त वाला लुक है। आप लोग जब तक इसका काम होते हुए यहाँ पर देखोगे सारे टायर चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर अभी एक बहुत बढ़िया स्टाइल में जो है क्रेटा तैयार की गई है, लुक जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। यहीं पर मीनवाइल जो है आप लोगों का स्कॉर्पियो का काम भी चल रहा है, और जहाँ पर देखोगे ऑक्टेविया खड़ी है, नई स्विफ्ट आई है, तो लोग भैया नई गाड़ी ला के सीधे तरी खड़ी करते हैं। आजकल का ट्रेंड ऐसा है जी, नई गाड़ी लेकर आते हैं पहले अलॉय व्हील्स लगवाते हैं उसके बाद घर जाते हैं। तो एक ये क्लाइंट आया हमारा, अभी रिसेंटली गाड़ी निकलवा के लेके आए हैं, एक वो गाड़ी है उसमें भी स्विफ्ट में ही काम हो रहा है, वो तो थोड़ी सी पुरानी हो गई है, कुछ 500,000 किलोमीटर चल गई है, क्योंकि वो आउट स्टेशन कस्टमर है। तो एक ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो आउट स्टेशन कस्टमर हमारे पास आता है तो उसको वो सेम सर्विसेज और वो टाइम के साथ हम लोग उसको फ्री कर दें। सो वी ट्राई आर बेस्ट टू डू दैट। अभी दे हैव ऑलमोस्ट सिलेक्टेड देयर व्हील डिज़ाइंस, जैसे आपको लगा के दिखाए थे स्विफ्ट में, अभी इन लोगों ने भी दो दो सैंपल्स लगाए हैं, आपको दिखाता हूँ कौन से सैंपल्स हमने लगाए। बिल्कुल भैया, एक बार सैंपल चेकआउट करा दो। जैसे इन्होंने दे आर गोइंग फॉर 15 इंचेस, उनकी गाड़ी काफ़ी चलती है तो मैंने रिकमेंड इनको 15 किया था। सो दिस इज अ स्पाइडर वेब, अगेन दिस इज अ स्टेपलेस वी, एक पे ये लोग अपोलो लगा के देख रहे हैं, एक पे फाल्कन लगा के देख रहे हैं। आप कौन सा रिकमेंड करते हो ज़्यादा? टायर के केस में मैं फाल्कन करता हूँ, बिकॉज इसमें अनकंडीशनल वारंटी आती है, आपका टायर कट लग जाता है विच इज़ वेरी कॉमन नाउ, आज की इतने प्रॉब्लम ही वही आती है, ये क्लेम हो जाता है एंड वी डू द क्लेम ऑन द काउंटर इटसेल्फ। हम कभी कस्टमर को ये नहीं बोलते हैं कि आप टायर रख जाइए हम कर देंगे, हमारी कोशिश है कस्टमर आया विद इन 10 मिनट्स उनका जो क्लेम है हम सेटल करके उनको फ्री कर दें। चलो भाई परफेक्ट है। इधर भी भैया कुछ चेंज किया, यहाँ पे भी हम 17 इंचेस के सैंपल्स लगे हुए हैं, कस्टमर्स वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि 17 लगाएं या 16 लगाएं, तो हमने एक 16 इंचेस लगा दिया, एक 17 इंचेस लगा दिया हुआ है, ये 16 इंच का सैंपल लगाया है हमने, एक 16 और 17 का लगाया। अब अगेन उनका मन 17 इंच में लगाने का है, बट एज पर हम एक बार गाइड कर देते हैं कि भाई अगर गाड़ी हिसाब से चलाओगे तो 17 लगाइए, नहीं तो 16 इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हमने अच्छा खासा वाला टाइम जो है वो स्पेंड किया है टेस्टिंग में, और इसके बाद जो है वो आप लोगों को भी ओवरव्यू देखने को मिलने वाला है। सो देयर यू गो, सो दिस इज हाउ द पूरा एलॉय का सेटअप जो है वो आप लोगों को एंडेवर में देखने को मिलने वाला है। कितने इंचेस के एलॉय लगाए भैया? अभी भैया जैसे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, अभी हमने इसमें 20 इंचेस के सैंपल लगाए हैं विद 20 इंचेस 285/50/20। ठीक है भाई, कंफर्ट जरूरी था तो मैंने कस्टमर को सजेस्ट किया 50/50 के लिए, तो अभी हमने ये फॉर्चुनर वाले कस्टमर ने दो सैंपल्स लगवाए हैं, वो एंडेवर वाले कस्टमर ने दो सैंपल लगवाए हैं। आप ही अपने बिल्कुल भाई एक बार जरा चेकआउट करो, कितने अमेजिंग है देखने में लग रहे हैं बेटा। नीचे का
ठीक है, एक फाइनल लुक के लिए कि एग्जैक्टली कैसे लगेगा, तो वी गिव द सर्विस टू द कस्टमर, हम सैंपल्स लगवा के उसका एक्चुअल डाउन करके दिखा दीजिए, एक्चुअल लुक आ रही है अभी इसमें, बहुत आसान हो जाता है, वो हटाई दो, उसको हटाई दो, जैक हटाई दो, बहुत आसान हो जाता है कस्टमर के लिए देखना कि मेरी गाड़ी में लुक कैसा आ रहा है। देखिए आप 1.5-2 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं और अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई तो मजा नहीं आएगा, और आपकी तसल्ली है तो हमारी तसल्ली है, बिल्कुल। तो ये एक हमारी सर्विस है कस्टमर्स के लिए, शायद कोई ऐसा नहीं करता होगा, बट वी गिव दिस ऑप्शन टू द कस्टमर की वो लगवा के देख सकते हैं, बिल्कुल। और ये परफेक्ट भी एक व्यू आ रहा है, एक बार देखो आप लोग, देखो भाई अमेजिंग, यहाँ पर जो है भैया अभी नीचे इसको उतारेंगे, इसको भी उतारने के लिए बोला मैंने, इसके बाद एंडेवर का भी एक फाइनल व्यू आ जाएगा। सो गाइस देख लो हमारा दूसरे वाला भी पूरा जो ओवरव्यू है एंडेवर का वो तैयार है, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों ने 20 इंचेस देखा है, अभी 20 देखा है, इसके बाद 22 की बारी है। अब देखिए तसल्ली करानी तो हमारा फर्ज है, तो इसके बाद कस्टमर का रिक्वेस्ट था कि 22 भी लगा के देखना चाहते हैं, तो अभी 20 में वो शॉर्टलिस्ट करेंगे एक एक, उसके बाद 22 लगाएंगे, देन विल फाइनलाइज कि उनको कौन सा अच्छा लगेगा वो हम फाइनल करेंगे। चलो भाई परफेक्ट है, और ये देखने के बाद मैं आप लोगों को एक जबरदस्त वाली, मतलब 22 तो आपको दिखाऊंगा दोनों में, लेकिन इसके बाद मैं इनको एक वो एंडेवर ब्लैक वाली वो दिखा दूं, वो दिखा दूं, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को एंडेवर वाली चेकआउट करना है, 20 इंची थी अब आपको दिखेगी 22 वाली, और एंजॉय करना। यानी हमारा अगला जो पूरा एक सेटअप है वो तैयार करा दिया, 22 इंची आप लोगों को फॉर्च्यूनर और एंडेवर में देखने को मिलने वाला है। अगेन आप लोगों को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, नॉर्मली आप लोगों को इसमें अगर भैया किसी को मर्सिडीज वाला साइन चाहिए मिल जाएगा, दैट इज अ कस्टमाइजेशन, मर्सिडीज हो, ऑडी हो, या टोयोटा का साइन लगवाना है आपने, या फॉर्च्यूनर का लगवाना, सॉरी एंडेवर का लगवाना है फोर्ड का, तो दैट इज कस्टमाइजेशन दैट कैन बी डन वेरी इजीली, इट्स नॉट अ। और भाई रमन भैया उसमें बहुत अच्छे हैं, भैया अच्छी तरीके से आपको काम करके देंगे। रिकमेंडेशन अगर मुसाफिर कहीं आके वीडियो बना रहा है और हम लोग अगर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ही बात है वो जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसी के साथ में अगर आप आगे की तरफ में आते हो, अगेन एक तरीके से कह सकते हो आप लोग थोड़ा डीप वाला लुक और उसी के साथ में ब्लैक वाला लुक, उसी के साथ में एक जो बोलते हैं ना कि भाई एक थोड़ा स्नग लुक जो गाड़ी को देता है वो ये अलॉय है। ये थोड़ा आपने जैसे डीप डिश की बात करी थी, कस्टमर को भी यही पसंद आया है, खैर अभी हमने लगाया है, लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल। मेरे को तो यही लग रहा है, यही लगेगा, आई बिलीव, मुझे भी यही लगता है यही फाइनल होने वाला है ना, वो 20 में जाएंगे नहीं, 22 तो यार अलग लग रहा है। अब जैसे अगेन वी हैव टू रिकमेंड इट, हर कस्टमर का यूटिलाइजेशन होता है गाड़ी का, अब ये कस्टमर कह रहा है इज ओके विद 22, बट दिस कस्टमर डजंट, ही सेड मेरे को थोड़ा गाड़ी 20 ही चाहिए इनको, उसको 20 चाहिए, लेकिन दिखाना तो बनता है भाई, देखो सैंपल लगवाए हैं तो दिखाना तो बनता है भाई, देखो कितना क्रोम वाला। और भैया एक चीज बताओ, इसकी क्रोम की क्वालिटी अगर रगड़ती है गाड़ी, देखिए दैट इज वन थिंग वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्रोम है, स्पटरिंग है, ये अगर लगेगा तो उतरेगा, तो इसकी मेंटेनेंस बहुत हाई रहती है, मेंटेनेंस हाई है, आपको डेली सफाई करना है, कुछ स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, एज गुड एज पेंट, आपकी गाड़ी में स्क्रैच लगेगा पेंट उतरेगा, इस पे स्क्रैच लगेगा पेंट उतरेगा। चलो भाई परफेक्ट है, ये आप लोगों ने एक ओवरव्यू देख लिया है। अगेन पीछे की साइड में अगर आप देखते हो हमारे ये आरपीएम के व्हील्स है, हाईली रिकमेंडेड बाय मुसाफिर, आरपीएम व्हील्स को मैं क्यों इतना ज्यादा रिकमेंडेशन कहता हूँ, मेरी अगर आप गाड़ी देखोगे ना वो देखो वो खड़ी है, देख रहे हो भाई एक नंबर के बिल्कुल टायर जो है उसका लुक आ रहा है, और कहीं ना कहीं भैया ये रिकमेंडेशन अगर हम कर रहे हैं तो बिल्कुल सही लेवल में कर रहे हैं। देखिए कोई भी व्हील 5 ईयर्स वारंटी काउंटर रिप्लेसमेंट नहीं रहता है, मैं आई फील वेरी प्राउड टू से दिस, बहुत सारे लोग ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आगे भी आते रहेंगे, बट दिस ब्रांड इज देयर इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, और अगर 15 साल में एक ब्रांड अवेलेबल है और उसका रिपोर्ट और सेटिस्फेक्शन लेवल है, इसलिए हम लोग भी उसको प्रमोट करते हैं। और बिल्कुल एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ देख रहे हो फोटोग्राफी चल रही है, और ये आप लोगों को स्पेशली जो है भैया के पेज में भी देखने को मिल जाएगा। कौन सा पेज है भैया हमारा? वेलोसिटी टायर्स का पेज है हमारा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, velocity_LDS लुधियाना। कोशिश करूंगा भैया के नंबर आपको अवेलेबल करा दूं, भैया कह रहे हैं एक दिन में ही 200-300 कॉल आ जाती है हमारे पास। हैं देखिए आफ्टर ऑल इतना कुछ देखने के बाद अब जो वीडियो देख रहे हैं जाहिर सी बात है उसके दिमाग में भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं, दे डोंट वांट कि उनको उनके आंसर्स मिले, बट हम लोग भी कई बार डिफिकल्ट हो जाते हैं, यहाँ पे काफी आपने देखा है रश रहता है, तो उसके हिसाब से कई बार आंसर कॉल हम लोग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, सो आई रिक्वेस्ट द कस्टमर्स टू प्लीज लीव अ मैसेज ऑन द फेसबुक पेज और ऑन इंस्टाग्राम पेज, सो दैट आई कैन रिप्लाई आएगा, रिप्लाई गेट बैक टू यू वेरी वेरी सून। चलो भाई देख लो एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने है जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अगेन प्राइसिंग का जो एक लोगों ने पूछा था क्या रेंज रहता है, तो प्राइसिंग का थोड़ा रेंज समझाओ। देखिए बहुत वेरिएशन है अलॉयज में, फिर भी स्टार्टिंग क्या होगा, 20 इंचेस में रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम 45,000 एंड इट गोज अप टू 65,000 और यही अगर आप लोग कहीं और से लगा रहे हो तो 70-80 से स्टार्ट ही होता है। स्टार्ट ही होता है, देखिए अगेन क्वालिटी है, यू नो इसकी रेट में प्राइस मैटर नहीं करता है, व्हेन वी आर इन 20 एंड 22 दैट मींस वी आर इन सुपर प्रीमियम सेगमेंट, बिल्कुल, और वहां पे क्वालिटी इज द नंबर 1।
प्राइस इतना, अब मैं आपको बोलूं सर कि 45 और 70 में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 25,000 रुपीस। ठीक है, तो ये क्वालिटी और ब्रांड बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। और 22 इंच में अगर बात करूंगा, 22 इंच में सेम इसका रेंज शुरू होता है फ्रॉम 85,000 टू, एंड जैसे अभी क्रोम का है तो इट गोज अप टू 120 आल्सो फॉर सेट ऑफ। तो भाई शौकीन बंदा करवाएगा। अब आपके सामने एक ने करवाया है और एक ने 20 पे ही अपना सेगमेंट लगवाया है, बिल्कुल परफेक्शन है। और वेलोसिटी टायर्स अगर आप लोग कभी भी लुधियाना आ रहे हो, हाईली रिकमेंडेड बाय मुसाफिर। मुसाफिर जहाँ जाता है केवल उन्हीं के साथ वीडियो बनाता है जो भाई बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, जिनसे उन्होंने काम करवाया होता है ना अपने आप। ठीक है भाई, देख लो एक बारी, मेरी भी आरपीएम व्हील्स लगे, तो इट्स अ परफेक्ट गुड टू गो थिंग। सो करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो गाइस बारी आ चुकी है कि वीडियो को एंड कर दिया जाए। अगर आपको आवाज कम लग रही हो तो समझ जाना हम बाहर शूट कर रहे हैं। तो भैया के पास अगर आपने आना है तो ये भैया कौन सी जगह पड़ती है? जीरी रोड हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 1। वी आर राइट देयर ऑन द हाईवे इटसेल्फ। बिफोर कमिंग प्लीज गिव अस, इफ यू टेक एन अपॉइंटमेंट, आपका टाइम और हमारा टाइम सेव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज लेट अस नो। हमारे नंबर्स और बाकी सारी आईडीज डिस्क्रिप्शन में आ रही है, और फ्लैश भी करा दूंगा, सब करा दूंगा। ठीक है भाई, लाइक एंड शेयर, अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड लेट अस नो कि आपका क्या व्यू है, आप क्या चाहते हैं, हम लोग वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और बता रहा हूँ, धमाका आने वाला है क्रेटा और किया सेल्टोस का बहुत जल्दी हमारे चैनल में। हो सकता है 10 दिन बाद आए, हो सकता है 15 दिन बाद आए, लेकिन धमाका होगा। सो विद दिस सेड गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR7811, यानी कि मुसाफिर 7811। अगर हमारे संडे ड्राइव का पार्ट बनना है तो भाई आओ ना, क्या कर रहे हो, जल्दी आ जाओ। संडे ड्राइव में आना है तो आप लोगों ने पार्ट बनना है, लिखना है फेसबुक पेज में मुसाफिर स्क्वाड, बहुत अंधा प्यार है ग्रुप में, केवल रिनॉन्ड बंदों को ऐड करते हैं, फुकरी कोई नहीं मारेगा और प्यार मोहब्बत ऐसी बना रहेगा। ठीक है, सो विद दिस सेड गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग, एंड एक बार ऐसे रख दो, ऐसे कर दो, बाय बाय। फॉलो करना है तो आप लोगों ने जाना है velocity_tires, और भाई बढ़िया लुधियाना में टायर्स आपको मिलेंगे, अलॉयज एक नंबर के।